So today is a very auspicious day. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो आज बहुत ही पवित्र शुभ तिथि, आज हरिदास ठाकुर का जन्म तिथि है। आज उनकी बहुत बोलते एक ही बात है, आप तिरुभाव तिथि बोलिए, उनकी अप्रकट लीला, कहीं पर अप्रकट हो रहे हैं तो कहीं पर प्रकट हो रहे हैं, तो बहुत बोलते हैं तिरुभाव तिथि इज ऑल्सो अपेरेंट बिकॉज इफ इज डिसअपीयरिंग वन प्लेस इज अपीयरिंग इन। हरिदास ठाकुर की जय। हरिदास ठाकुर की बहुत सुंदर लीलाएं हैं। ये भक्त दुनिया में आते हैं अपने उत्साह से, अपने उदाहरण से हमें इतना प्रेरित करते हैं कि हमें भी लगता है कि इस दुनिया में हम लोग जो भी कुछ कर ले कोई संतुष्ट नहीं है। कितना ही कुछ कर ले आदमी, कितना ही धन कमा ले, कितना ही भोग कर ले, कितनी प्रॉपर्टी ले ले, दुनिया में सुख ही कोई नहीं। तो बहुत सारे लोग कल प्रोग्राम के बाद एक माता बता रही थी कि प्रभु मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ रहता है, माला करने से कुछ होता नहीं। मैं बोला क्या करना चाहिए, बोल रही थी, बोला माला कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, क्या करें, माला से कुछ नहीं होता है प्रभु जी, माला करने के बाद भी तो स्वस्थ शरीर वही रहता है। तो बहुत बार लोग सोचते हैं ये दुनिया तो बड़ी कष्टमय है, लेकिन तो मैं बोला माता जी दुनिया ही कष्टमय जगह है, ये दुखाले है, यहाँ पर सुख कैसे हो सकता है, वो समझ ही नहीं रही। बोली जा रही मैं कुछ क्या बोलू। तो बोला माता जी जेल में कैसे कोई खुशी हो सकता है, दुखारा तो अच्छा है, ये हमारे को प्रेरणा देगा कि जेल से बाहर निकले, हमें भगवत धाम जाना चाहिए, वहां कोई बोले हम। मैं बोला ठीक है, आप बताइए आपको दुनिया कैसी चाहिए, आपको भगवान से क्या चाहिए। बोली सब कुछ ठीक रहे, सब खुश रहे। हम बोले वो एक ही जगह पे होगा, भगवान के धाम में होने वाला और कहीं नहीं होने वाला। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बोलती हूँ, मैं देखा कि उनको गुस्सा नहीं, बोला आपको भगवान के धाम में भरोसा है। हाँ है। क्या बोल रही है, हाँ धाम तो है। तो दुनिया में लोग इस दुनिया में तो बहुत पिटाई खाते हैं, और जब बोला जाता है दुखाले है, भगवत धाम जाना है, तो लोग को लगता है पता नहीं है कि नहीं। बोलने के लिए बोल देते हाँ है, लेकिन वो लोग मन से मानते नहीं कि सचमुच में कुछ ऐसा। लेकिन जब हम आचार्यों का जीवन देखते हैं, उनका उत्साह, उनका भगवान के नामों में उत्साह, इनकी दुनिया से विरक्ति, जिस सुख के लिए लोग पागल रहते हैं, लैंड के लिए झगड़ा कर लेते हैं, प्रॉपर्टी इधर उधर कर लेते, ये करते वो करते, देखते हैं कि महान संत लोग को मतलब ही नहीं। तो उनके जीवन को देखकर बड़ी प्रेरणा मिलती, उनके उदाहरण को देख करके। हरिदास ठाकुर वो कुछ अपना घर भी नहीं बनाया, कुछ नहीं, सिर्फ दिन भर जप कर रहे। अगर इस दुनिया यही दुनिया सब कुछ है तो कोई आदमी केवल जप क्यों करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, वो तो खटेगा, दुनिया में सुख चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और हम लोग सुनते तो है दुनिया में दुख है, भगवान का धाम है, लेकिन विश्वास करना पड़ा। लेकिन आचार्यों के जीवन से, उनके उदाहरण से, हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम जप किया करते थे। कोई निंदा कर रहा है, कोई उनकी बुरी बुरी, कोई उनको भगवान की कृपा मान रहे है, उनके पास वैश्या भेज रहा है, फिर भी उसका बुरा नहीं सोच रहे है, भला ही सोच रहे, कोई उनको कोड़ों से मार रहा है, जेल में बंद कर दे रहा है, उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहे, क्योंकि उनको विश्वास है कि भगवत धाम है, भगवान है। तो इसलिए आचार्यों के जीवन से बड़ी प्रेरणा मिलती। एक बार जल निवास को कोई बताए थे कि एक बार वो हरिदास ठाकुर के बारे में पढ़ रहे थे,
हमने उनसे पूछा था, प्रभु जी आपको इतनी प्रेरणा कैसे मिलती है, आप 50 सालों से भक्ति कर रहे हैं और आप हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा उत्साह में रहते हैं, आप हमेशा जप करते रहते हैं। तो बता रहे थे कि मैं हरिदास ठाकुर के बारे में पढ़ रहा था, चैतन्य भागवत में बताए थे, तो उन्होंने पढ़ा श्लोक में कि खंड खंड होए देह ज्योति जाए प्राण, तब याम वजने न छाड़े हरी ना। तो उनको जब बाजार में कोड़े से मारा जा रहा, उनकी कोई गलती नहीं, उसी भगवान का नाम ले रहे इसके लिए उनको पीटा जा रहा है 22 बाजारों में, लेकिन वो खुशी खुशी भगवान का नाम ले रहे। काजी ने बोला कि अरे तुम केवल मुस्लिम का नाम ले लो, हरे कृष्णा की जगह अल्लाह बोल दो तो तुमको हम छोड़ देंगे, तुम गीता उच्चारण की जगह कलमा उच्चारण कर लो। बोले देखिए भगवान एक ही है, अल्लाह बोलिए कृष्ण बोलिए, लेकिन मेरे को भगवान हरे कृष्ण बोलने की प्रेरणा दे, तो आपको जो करना है कर लीजिए। तो ये पागल, इसको सजा देनी चाहिए, एक पागल दूसरे को, एक पापी दूसरे को पापी बनाएगा, इससे हमारा मुस्लिम समाज टूट जाएगा, इसलिए हमें इसको सजा देनी। खुश मतलब हंस रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो गुम्बाज पे जाओ मारा जा रहा है, लेकिन उसे बोल रहे छोड़ दे, कर बोला कि नहीं खंड खंड हो जाए दे मेरा, लेकिन भगवान का नाम नहीं। तो ऐसे आचार्य के जीवन तो जनवास में बताए थे, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं भी ऐसा करूं। तो इसीलिए जब आचार्य के बारे में सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती कि हाँ मुझे भी ऐसा ही बनना, यह चीज करनी। नहीं तो फिर हम क्रिकेटर के बारे में सुनेंगे, वो छक्का मारा हमको भी छक्का मारा, वो फिल्म स्टार को जैसे किया तो हमको भी करना, सिगरेट दिखाएगा हम भी सिगरेट, वो बीएमडब्ल्यू में घूमे हमको भी बीएमडब्ल्यू, उसका ये कोई प्रेरणा थोड़ा है। लेकिन महान आचार्यों के जीवन से रोज 3 लाख नाम जप करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर वो पूरा मजिस्ट्रेट होके भी भजन किया करते थे, और रात को 10 से 4 पुस्तक लिखा करते थे प्रभुपाद जी। तो ऐसे हम लोग जब सुनते हैं महान व्यस्तों के बारे में तो हमें भी प्रेरणा थी कि प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, हार्ट अटैक आ, हमें भी प्रचार करना है, हमें भी नाम करना है, हमें भी वैष्णव सेवा कर। तो इस प्रकार से महान वैष्णव के चरित्र से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती। आज हम हरिदास ठाकुर के चरण कमल में प्रार्थना करते हैं, हमें भी कुछ श्रद्धा की कुछ बूंद दे, अपना उत्साह का थोड़ा सा एक बूंद भी मिल जाता हमारे जीवन सफल। हरिदास ठाकुर त्रिभक्ति की।